हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 4 है। इसके प्रीवियस में हमने कम्युनिकेशन के 3 लेक्चर्स डिस्कस किए हुए थे, जहां पे हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, पावर कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, मॉड्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मल्टीटोन AM मॉड्यूलेशन के बारे में। अगर आपने इसका अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिए, क्योंकि इसके प्रीवियस में मैंने सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था, तो उसको समझने के बाद आपको ये मल्टी टोन AM मॉड्यूलेशन समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैसेज सिग्नल हमने सिंगल टोन AM मॉड्यूलेशन में एज्यूम किया हुआ था, जैसा कि नाम है उसका सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, मतलब वहां पर मैसेज सिग्नल में केवल एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीटोन AM मॉड्यूलेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल में आपके 2 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। ये देखिए AM1 cos 2 पाई FM1T और AM2 cos 2 पाई FM2T। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीटोन AM मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल। कैरियर सिग्नल CT आपका एज इट इज रहेगा, AC cos 2 पाई FCT। अब आपका जो AM सिग्नल का एक्सप्रेशन था वो हो जाएगा SAMT इक्वल टू AC1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT। अब यहाँ पे मैसेज सिग्नल की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका S of AMT इक्वल टू AC ब्रैकेट 1 प्लस KA। यहाँ देखिए MT की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी है, तो KA AM1 cos 2 पाई FM1T प्लस KA AM2 cos 2 पाई FM2T और ब्रैकेट के बाहर cos 2 पाई FCT। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका मल्टीटोन AM मॉड्यूलेशन के लिए। यहाँ पे KA AM1 को हम μ1 से डिनोट कर देते हैं और KA AM2 को μ2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मॉडिफाइड सिग्नल AC1 प्लस μ1 cos 2 पाई FM1T प्लस μ2 cos 2 पाई FM2T और cos 2 पाई FCT। इसको हम फर्दर और मॉडिफाई करते हैं, ब्रैकेट हमने ओपन किया, तो ये हो जाएगा आपका AC cos 2 पाई FCT प्लस ये हो जाएगा आपका AC μ1 cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FM1T प्लस ये हो जाएगा AC μ2 cos 2 पाई FCT और cos 2 पाई FM2T। इसको हमने फर्दर और सॉल्व किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगर चाहें तो फार्मूला यूज कर सकते हैं cos A इंटू cos B का। cos A इंटू cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे भी cos A इंटू cos B का फार्मूला यूज करते हैं। तो ये फर्दर मॉडिफाई करके हो जाएगा आपका AC cos 2 पाई FCT प्लस AC μ1 डिवाइड बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM1T। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो एक बार हो जाएगा आपका cos A प्लस B यानी FC प्लस FM1 प्लस अगली बार हो जाएगा A माइनस B यानी FC माइनस FM1T और जो 1/2 था वो आपका यहाँ पे दोनों जगह पे आ जाएगा। वही सेम फॉर्मूला एज इट इज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC μ2 डिवाइड बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM2T प्लस AC μ2 डिवाइड बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FM2T। तो सिंपली हमने यहाँ पे बस cos A इंटू cos B का फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे इस मॉडिफाइड सिग्नल को हम देखेंगे, तो आपको दिख रहा है ये तो हो जाएगा आपका कैरियर सिग्नल जो कि है AC cos 2 पाई FCT। अब ये जो आपका कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका FM1 है यहाँ पे, तो अपर साइड बैंड 1, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम डिनोट कर देते हैं लोअर साइड बैंड 1 नाम से, क्योंकि यहाँ पे भी FM1 है और FM1 है, ये FC प्लस FM है तो अपर साइड बैंड, ये FC माइनस FM है तो लोअर साइड बैंड 1। अब ये दूसरा हो जाएगा दूसरी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट FM2 के लिए, अपर साइड बैंड 2 और ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 अपर साइड बैंड आएंगे 1 और 2 और 2 लोअर साइड बैंड आएंगे। यहाँ पे अब इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो FM2 है फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट वो FM1 से ज़्यादा है और μ2 जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका ग्रेटर देन है μ1 से। अब इसका स्पेक्ट्रम हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, जब हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की बात की थी तो हमें जो स्पेक्ट्रम था वो कुछ ये बस दिखाई दे रहा था, ये बीच वाला।
लेकिन यहाँ पे मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम हमने केवल पॉजिटिव साइड के लिए ड्रॉ किया हुआ है, सेम एज इट इज स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए जीरो है तो सेम स्पेक्ट्रम आपका पॉजिटिव साइड होगा और सेम यहाँ पे माइनस एफ सी पे होगा नेगेटिव साइड, ये प्लस एफ सी पे है। यही सेम स्पेक्ट्रम आपका माइनस साइड भी होगा तो वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, केवल पॉजिटिव साइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एफ सी हो जाएगा आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी पे ए सी बाई टू और नेगेटिव साइड हो जाएगा माइनस एफ सी पे ए सी बाई टू। अब यहाँ पे देखिए अपर साइड बैंड वन और लोअर साइड बैंड वन का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए सी म्यू वन बाई टू और ए सी म्यू वन बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ सी प्लस एफ एम वन पे और एफ सी माइनस एफ एम वन पे। इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए सी म्यू वन डिवाइड बाई फोर, क्योंकि ये हम जो ड्रॉ करते हैं वो होता है एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई टू। तो ए सी म्यू वन डिवाइड बाई टू है तो इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी म्यू वन डिवाइड बाई फोर। और हमने यहाँ पे माना हुआ है कि एफ एम वन जो है वो आपका लेस देन है एफ एम टू से, तो ये आपका स्पेक्ट्रम होगा एफ एम वन के लिए। ये अपर साइड बैंड इसका और ये लोअर साइड बैंड वन। अब एफ एम टू के लिए हम बात करें तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना था, ए सी म्यू टू डिवाइडेड बाई टू। तो ए सी म्यू टू डिवाइड बाई टू और उसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी म्यू टू डिवाइड बाई फोर और ये भी ए सी म्यू टू डिवाइड बाई फोर। और ये हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ सी प्लस एफ एम टू और ये एफ सी माइनस एफ एम टू। तो ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड टू और ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड टू। अब यहाँ पे अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मल्टीटोन मॉड्यूलेशन के लिए, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए जो बैंडविड्थ थी वो कितनी थी, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का जो प्लॉट था वो बस इतना था। तो इसकी जो बैंडविड्थ थी वो कितनी हो जा रही थी, उसके लिए हमने एफ सी प्लस एफ एम वन माइनस एफ सी माइनस एफ एम वन किया था तो हमारे पास आई थी टू इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। लेकिन ये मल्टीटोन ए एम मॉड्यूलेशन में हम बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू इंटू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल में आपके जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उसमें से जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगा उस कंपोनेंट का टू से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपका कितना है, एफ एम टू है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया हुआ था एफ एम टू आपका ग्रेटर है एफ एम वन से। तो बैंडविड्थ आपकी हो जाएगी टू इंटू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट यानी एफ एम टू। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो हो जाएगी टू इंटू एफ एम मैक्स। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूले आप नोट करते जाएं और इनको याद कर लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पावर कैलकुलेशन की मल्टीटोन ए एम मॉड्यूलेशन में। सिंगल टोन के लिए हमने देखा हुआ था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे मल्टीटोन के लिए भी हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी टी आपका हो जाएगा जो टोटल पावर वो हो जाएगा कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, इसको हम लिख सकते हैं पी सी प्लस पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। अब मल्टीटोन मॉड्यूलेशन में दो अपर साइड बैंड है और दो लोअर साइड बैंड है तो इसको और हम फर्दर लिख सकते हैं पी सी प्लस पी अपर साइड बैंड वन प्लस पी लोअर साइड बैंड वन और पी अपर साइड बैंड टू और पी लोअर साइड बैंड टू। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका टोटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो कैरियर का पावर है वो कितना था, पी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर, क्योंकि कैरियर सिग्नल जो था सी टी इक्वल टू ए सी कॉस टू बाई एफ सी डी। तो किसी साइनसोइडल सिग्नल का पावर हम कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो पी सी हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। अब अपर साइड बैंड वन की बात करें तो हम आते हैं अपने सिग्नल पर जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन था, तो कैरियर पावर तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। अब अपर साइड बैंड वन तो इसका जो पावर है वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यानी ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, और वही सेम पावर हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड वन का क्योंकि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। तो ये हो जाएगा आपका पी अपर साइड बैंड वन इक्वल टू पी लोअर साइड बैंड वन इक्वल टू ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट आर। वैसे ही आपका ये हो जाएगा पी अपर साइड बैंड टू इक्वल टू पी लोअर साइड बैंड टू इक्वल टू ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट आर। तो ये हमने पूरा इसका पावर कैलकुलेट कर लिया है, इसको हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टोटल पावर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर कैरियर पावर प्लस
दोनों अपर साइड बैंड 1 और लोअर साइड बैंड 1 का एडिशन हो जाएगा एसी स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर प्लस ये दोनों हो जाएगा अपर साइड बैंड 2 और लोअर साइड बैंड 2 का एडिशन एसी स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कैरियर पावर और ये हो जाएगा आपका टोटल साइड बैंड का पावर। अब यहां पे इसको हम और मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा पीटी इक्वल टू एसी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर हमने कॉमन निकाला है तो 1 प्लस ये बचेगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा आपका टोटल पावर। इसको हम लिख सकते हैं पीटी इक्वल टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और म्यू टी स्क्वायर को हमने माना है म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर तो म्यू टी हम यहां पे इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं। देखिए जो टोटल पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला भी सेम है सिंगल टोन और मल्टी टोन के लिए, केवल डिफरेंस ये है आपका जो म्यू टी है वो हो जाएगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर क्योंकि यहां पे मैसेज सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे तो ये यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मूला एज इट इज है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, केवल यहां पे इसका डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। और म्यू टी जो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स है मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम अगर बात करते हैं मॉड्यूलेशन इफिशियंसी की तो वो होती है आपकी टोटल साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर, तो पी साइड बैंड डिवाइड बाई पी टी। तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो टोटल साइड बैंड पावर इन दोनों का एडिशन ये आ जाएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में टोटल पावर, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बचेगा म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई आपके पावर कैलकुलेशन की बात मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं पावर के अलावा करंट और वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए भी हमें पूछा जाता है, तो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो क्या होगा। पावर का रिलेशन हमें पता है पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो पी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई टी स्क्वायर इंटू आर और यहाँ पे आई सी स्क्वायर इंटू आर, और ये एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट आई टी इक्वल टू आई सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद रखना है। वैसे ही पावर से ही हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई आर और ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये बचेगा वी टी स्क्वायर इक्वल टू वी सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी हमने जब इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो ये हो जाएगा वी टी इक्वल टू वी सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है करंट का भी और वोल्टेज का भी। तो ये है सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। अगर मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात की जाएगी तो म्यू की जगह पे यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा म्यू टी हो जाएगा और फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या हो जाएगा म्यू टी हो जाएगा और म्यू टी आपका कितना होता है म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, छोटे छोटे जो डिफरेंस हैं ये आपको याद रखने हैं। तो ये तो होगी आपके पूरे फॉर्मूलेस की बात सिंगल टोन और मल्टी टोन एएम मॉड्यूलेशन के लिए। अब हम इसमें थोड़ी आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है आपके मॉड्यूलेशन के टाइप की, कितने टाइप से मॉड्यूलेशन होगा आपका यहाँ पे, या तो होगा आपका अंडर मॉड्यूलेशन क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या ओवर मॉड्यूलेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उसको समझने के पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कितना चेंज हुआ है आपके मॉड्यूलेशन के पहले और मॉड्यूलेशन के बाद में। बेसिकली मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हमने देखी थी, एक मैसेज सिग्नल था एक कैरियर सिग्नल था, इसको हमने मॉड्यूलेट कराया तो हमें कुछ इस तरीके से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मिल जाएगा, ऐसा हमने ये पहले देखा हुआ था। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन होंगे, अंडर मॉड्यूलेशन कब होगा, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कब होगा और ओवर मॉड्यूलेशन कब होगा। यहाँ पे एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपका क्या हुआ, ये कैरियर सिग्नल का पीक था एसी और ये कैरियर सिग्नल का नेगेटिव पीक था माइनस एसी। अब यहाँ पे आपका जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल था वो वेरी होगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के, तो ये इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कुछ ऐसे फिलअप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
इसके रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा ए मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड, और ये हो जाएगा इसका इनवेलप। तो इस सिग्नल को अगर हम डिमोडुलेशन की बात करें तो इनवेलप डिटेक्टर हम वहां पे यूज करते हैं। इनवेलप डिटेक्टर की हेल्प से हम इसको आसानी से डिमोडुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है उसका डिमोडुलेशन काफी इजी होता है, और सबसे इजी जो डिमोडुलेशन प्रोसेस है उसके लिए हम यूज करते हैं इनवेलप डिटेक्टर। इनवेलप डिटेक्टर एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है केवल पॉजिटिव पीक्स को, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड्स को। तो अगर ये सिग्नल आपका डिमोडुलेशन के स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तो इनवेलप डिटेक्टर इसकी पॉजिटिव पीक को इस तरीके से डिटेक्ट करेगा और ये फाइनली आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो इसका तो डिमोडुलेशन सिंपल है, लेकिन मान के चलिए आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ऐसा ना हो कि कुछ इस तरीके से है, मतलब ये देखिए ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको हम डिमोडुलेट करेंगे अगर इनवेलप डिटेक्टर की हेल्प से, तो वो केवल पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा यहाँ यहाँ यहाँ। तो पॉजिटिव पीक तो आसानी से यहाँ तक डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन अब इसको डिटेक्ट करना चाहिए ये वाला सिग्नल जो कि है इसका ए मिनिमम, लेकिन ये इसको डिटेक्ट ना करके ये केवल डिटेक्ट करेगा पॉजिटिव पीक्स को। ये यहां तक डिटेक्ट करने के बाद फिर डिटेक्ट करने लगेगा इस साइड से, तो आपका यहाँ पे जो सिग्नल है सही से डिमोडुलेट नहीं हो पाएगा जो कि आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था। तो यहाँ पे हम इनवेलप डिटेक्टर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो वो हम आगे डिमोडुलेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इस बेस पे हम इसको मॉड्यूलेशन को डिवाइड कर सकते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे देखिए कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कितना चेंज हुआ है मॉड्यूलेशन के पहले और मॉड्यूलेशन के बाद में। कैरियर सिग्नल था आपका AC cos 2π FCT, AM सिग्नल का जो एक्सप्रेशन था वो था AC 1 plus mu cos 2π FMT और cos 2π FCT। अगर इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो पहले एम्पलीट्यूड AC था, पहले एम्पलीट्यूड AC था देखिए यहाँ पे। फिर AM सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा AC 1 plus mu cos 2π FMT, ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। अब अगर इस एम्पलीट्यूड के हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ए मैक्स से हम उसको डिनोट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है ये देखिए कॉस में है, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ए मैक्स हो जाएगा आपका जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ए सी 1 प्लस म्यू, और ए मिनिमम हो जाएगा आपका ए सी 1 माइनस म्यू। तो ए मैक्स हो जाएगा आपका ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए सी 1 प्लस म्यू, और ए मिनिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी 1 माइनस म्यू। तो ये ए मैक्स और ए मिनिमम की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब इन दोनों की हेल्प से आप ए सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम आप करते हैं तो ए सी आ जाएगा आपका ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और म्यू की वैल्यू भी आप इन्हीं रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका मॉड्यूलेशन कितने टाइप से है, कब अंडर मॉड्यूलेशन होगा, क्रिटिकल होगा और कब ओवर मॉड्यूलेशन होगा। तो ये देखते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।